हिमाचल भाजपा संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी है। पहले प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, अब पूरी कार्यकारिणी बदलने की तैयारी है। पार्टी सूत्रों की माने तो प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने संभावित कार्यकारिणी की लिस्ट तैयार कर मंजूरी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दी है। नड्डा की मोहर लगने के बाद लोकसभा चुनाव की फील्ड अब नई कार्यकारिणी से जाएगी। प्रदेश बीजेपी को 10 जुलाई से पहले नई कार्यकारिणी मिल जाएगी। निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। खासकर जिन पदाधिकारियों के चुनाव क्षेत्रों में भाजपा के वोट ग्राफ ज्यादा गिरा है और बीते विधानसभा चुनाव में खुलकर बगावत हुई है, उन्हें कार्यकारिणी में तवज्जो नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार प्राचीन चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन के लिए प्रयासरत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में 250 आयुष वेलनेस सेंटर शुरू किए जाएंगे। इन केंद्रों में अलग अलग पैकेज के माध्यम से विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शिक्षा और वन विभाग के सहयोग से 500 से अधिक नए हर्बल गार्डन विकसित किए जाएंगे। ये उद्यान न केवल गुणवत्तापूर्ण औषधियों का उत्पादन करेंगे बल्कि राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के साथ इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली। वॉशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क 70% से 50% करने का कांग्रेस सरकार ने विरोध जताया है। खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे बागवानों के खिलाफ बताया और इसे हिमाचल के सेब के अस्तित्व पर खतरा करार दिया है। इस बीच हिमाचल बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि सरकार जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है, जब 6 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने सेब आयात शुल्क बढ़ाकर 50% किया था। आखिर तब कांग्रेस सरकार ने स्वागत क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि जिसे कांग्रेसी सरकार आयात शुल्क बता रही है वो वास्तव में प्रतिशोधात्मक शुल्क है। प्रदेश सरकार से ओल्ड पेंशन बहाली की मांग कर रहे विद्युत विभाग के कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई में सामने आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर आज बुधवार को मंडी जिला के सुंदरनगर में एक जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। यूनियन ने विभाग में ओपीएस बहाली और प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग का जोरदार विरोध किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने कहा है कि प्रदेश बिजली बोर्ड में अभी तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई है। विभाग के कर्मचारियों का एनपीएस शेयर बीते 2 माह से कट रहा है। उन्होंने कहा है कि इस बार भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों का एनपीएस शेयर काटे जाने की संभावना है, जिसे लेकर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। इसके साथ साथ स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था प्रदेश के लोगों के हित में नहीं है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल 2 दशक बाद फिर राजधानी शिमला से केंद्र की सत्ता का रास्ता तलाशेंगे। साल 2003 में शिमला के होटल पीटर हॉफ में कांग्रेस की राष्ट्रीय चिंतन बैठक हुई थी। एनडीए सरकार के खिलाफ इस बैठक में बनाई गई रणनीति के चलते आगामी 10 साल तक यूपीए सरकार केंद्र की सत्ता में रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए दोबारा से शिमला को महाबैठक के लिए चुना गया है। 10 से 12 जुलाई को विपक्षी दलों की ये बैठक प्रस्तावित है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का दावा है कि ये महाबैठक ही 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की नींव रखेगी। पिछले 2 दिनों में शिमला जिला में दुयुवा नदी के तेज बहाव में बहकर काल का ग्रास बन गए। यदि नदी किनारे प्रशासन द्वारा चेतावनी चिन्ह लगाए गए होते या फिर लोगों को नदी में जाने से रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जवानों की नियुक्ति की गई होती तो शायद ये हादसे टल जाते। देर से ही सही, लेकिन अब शिमला पुलिस के इन हादसों से सबक लेते हुए जिला के अंतर्गत आने वाली नदियों के किनारे दुर्घटना संभावित स्थानों पर रेस्क्यू रेंजर्स को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कुमारहट्टी में 5 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। गनीमत ये रही कि मकान में काफी समय से कोई भी नहीं रहता था, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। मकान मालिक ने मकान के जमींदोज होने का आरोप फोरलेन निर्माता कंपनी पर लगाया है। उनका कहना है कि फोरलेन के गलत निर्माण के कारण काफी समय से भवन में पानी आ रहा था। इसके बाद फोरलेन निर्माण कर रही कंपनी को भी इस बारे में बताया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं जल शक्ति विभाग की पाइप से भी पानी का रिसाव होने से मकान को नुकसान हो रहा था। इसके चलते घर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। मौसम की मार से परेशान किसानों के चेहरों पर टमाटर की बढ़ी कीमतों ने रौनक ला दी है, लेकिन उपभोक्ताओं को बेहाल कर दिया है। अमूमन शुरुआती सीजन मंडी में 500 से 600 रुपए बिकने वाले सोलन के लोकल टमाटर का 25 किलो का क्रेट 600 से 1600 तक बिक रहा है। अब सब्जी मंडी में टमाटर की आवक भी बढ़ गई है। जिला सिरमौर से भी टमाटर आना शुरू हो गया है। मंगलवार को मंडी में 1500 क्रेट पहुंचे, हालांकि अभी कुछ ही क्षेत्रों में टमाटर तैयार हुआ है। 2 सप्ताह तक आवक और अधिक हो जाएगी।
राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारक परिवारों को राहत दी है। सरसों के बाद अब सरकार ने फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल 13 रुपए सस्ता कर दिया है। उपभोक्ताओं को डिपो में रिफाइंड तेल अगले माह जुलाई से 104 रुपए लीटर मिलेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 19,50,000 राशन कार्ड धारक लाभान्वित होंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 7,54,000 उपभोक्ताओं को 8 और 11,53,000 एपीएल परिवारों को 13 रुपए का फायदा होगा। हिमाचल में मॉनसून ने धमाकेदार शुरुआत की है। मौसम विभाग ने शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना में दोपहर 3 बजे के बाद भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था। मणिकर्ण घाटी के शुकचंग में बीती रात 3 बजे के करीब आसमानी बिजली गिरने से लगभग 60 भेड़ बकरियों की मौत भी हो गई। इससे भेड़ पालक को भी चोटें आई। प्रदेश में बीते 7 दिनों के दौरान नॉर्मल से 135% ज्यादा बारिश हो गई है। राज्य में 21 से 27 जून तक औसत 27 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस अवधि में 63.4 मिलीमीटर मेघ बरस गए हैं। अगले 5 से 6 दिन तक भी बारिश से राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।